नमस्कार दोस्तों, मनोज कैफे पानीपत के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सीईटी का एग्ज़ाम चल रहा है और सिक्योरिटी के साथ साथ जो है सभी का एग्ज़ाम भी हो रहा है और चेकिंग के बाद ही आपकी जो है वहाँ पर एंट्री हो रही है। हरियाणा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी जो है एग्ज़ाम शुरू है, आज दूसरा दिन है, दूसरा और लास्ट दिन है। ग्रुप सी के 26,000 पदों के लिए इस भर्ती का जो भर्तियाँ होंगी 26,000 पदों के लिए, उसके लिए करीब जो है 11 लाख जो अभ्यर्थी हैं वो भाग ले रहे हैं। मॉर्निंग इवनिंग दोनों शिफ्टों में एग्ज़ाम हो रहे हैं, सभी को इसके बारे में कन्फर्म है। और कल ऐसा हुआ कि जैसे हिसार डिस्ट्रिक्ट में परीक्षा सेंटर पर कुछ लोग देरी से पहुँचे थे, जिसके बाद जो है उनको एंट्री नहीं मिली थी और बाद में उन्होंने जो है अम्बाला, गुड़गांव, चरखी दादरी और करनाल समेत कई जिलों में जो है लेट होने की वजह से एडमिट कार्ड पर एग्जाम सेंटर डीएवी स्कूल अम्बाला कैंट दिया गया था। लेकिन जब अभ्यर्थी एग्जाम सेंटर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि आज सुबह ही पलवल, गुरुग्राम और भिवानी सहित कई सेंटर जो है बदल दिए गए, जिसकी वजह से काफ़ी सारे जो कैंडिडेट थे उनके जो है एंट्री नहीं मिल पाई, सेंटर चेंज हो गए, उनको एट ए टाइम पता चला। तो सभी से रिक्वेस्ट है, सबसे पहले तो जो वीडियो देख रहे हैं जिनका एग्जाम नहीं हुआ है, तुरंत अपने मोबाइल पर अपनी जो है एडमिट कार्ड दोबारा डाउनलोड करके चेक कर ले कि आपका कंफर्म कर ले कि आपका एग्ज़ाम सेंटर वही है या चेंज हो गया है। क्योंकि यहाँ पर जो है कुछ को एंट्री नहीं मिली और कंफर्म नहीं हुआ पहले, ना फ़ोन पर कोई मैसेज आया था एग्ज़ाम सेंटर चेंज होने का, तो उन्होंने फिर बाद में नारेबाजी की, लेकिन कोई उसमें जो है उनको बेनिफिट नहीं मिला, उनकी एंट्री ही नहीं दी गई। ठीक है, हिसार में कुछ परीक्षार्थी देर से पूछे थे, उन्हें बाद में एग्जाम में एंट्री नहीं दी गई थी। नारनौल में जूते उतार कर जो है परीक्षार्थियों की तलाशी ली गई थी। दो शिफ्टों में 31,721 की परीक्षा चल रही है और परीक्षा केंद्रों में एंट्री से पहले कड़ी जाँच हो रही है। पुलिस ने पूरी सुरक्षा काफ़ी की है और फोटो स्टेट और कोचिंग के सेंटर हैं जो सभी बंद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है चेकिंग हो रही है, किस तरीके से एंट्री कर रहे हैं और बस की सेवा जो है मुफ्त है। हरियाणा रोडवेज की तरफ से काफ़ी सराहनीय कदम है और काफ़ी मेहनत भी हो रही है। मैंने देखा है दोस्तों, काफ़ी भीड़ है, लेकिन जो उनसे हो रहा है वो कर रहे हैं, क्योंकि 11 लाख जो कैंडिडेट है एकदम से बाहर निकलेंगे तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी थोड़ा सा चेंज होगा। ठीक है, सरकार की ओर से अभ्यर्थियों के लिए हरियाणा रोडवेज के साथ सही निजी बसों में परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने के लिए मुफ्त बस सेवा की घोषणा की गई थी। इसके चलते शुक्रवार को बस अड्डों पर एडवांस बुकिंग के लिए मारामारी रही, इसके बाद अनियंत्रित जो भीड़ हुई उसके बाद फिर जो है सरकार की ओर से 15,000 बसों का इंतजाम किया गया। हालांकि इसके बाद यह स्पष्ट किया गया कि बसों की बुकिंग की जरूरत नहीं है, कैंडिडेट एडमिट कार्ड दिखाकर भी जो है जा सकते हैं पेपर देने के लिए। 11 लाख से अधिक अभ्यर्थी हैं, 17 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, धारा 144 लागू की गई है। जो भी साथी जा रहे हैं अपना एडमिट कार्ड और एडमिट कार्ड के साथ दो फोटो और एक ओरिजिनल आईडी कार्ड, बस यही आपके लिए इनफ है, ये आप लेके जा सकते हैं। सिक्योरिटी टाइट है और अपना पेपर का जो है जो भी आपका है चेक करके साथ में तभी जाए। और एग्जाम सेंटर सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी साथी है मोबाइल से अपना एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड करके एक बार जरूर चेक कर ले कि आपका एग्जाम सेंटर चेंज तो नहीं हुआ है। ठीक है, और जो 5 जिले हैं हरियाणा के, उन सभी में जो है एग्जाम सेंटर नहीं बनाए गए हैं। इनमें से जो है रोहतक, जींद, नूंह, झज्जर और चरखी दादरी है जहां पर एग्जाम सेंटर नहीं बनाए गए हैं, क्योंकि पहले इनका रिकॉर्ड थोड़ा सा आउट रहा है, इसकी वजह से जो है एनटीए ने वहाँ पर एग्जाम सेंटर बनाने से मना कर दिया था। ठीक है दोस्तों, जो साथी वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, इस तरह के सभी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और ये खास है, यहाँ पर अभ्यर्थियों की आंखों की पुतली भी स्कैन होगी ऐसा है, लेकिन क्या हुआ वो आप पेपर देने जाओगे वहाँ पे कंफर्म हो जाएगा इसके बारे में, और ज़्यादा आप जो है परेशान ना हो, एग्ज़ाम देने में पूरा जोर लगाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।